समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर के नगर विधायक आजम खान और उनके परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम खान के बेहद करीबी दो मित्रों को पुलिस ने जुआ खेलते हुए वायरल हो रहे वीडियो के मामले में 3 दिन पहले ही गिरफ्तार किया था। इनसे हुई पूछताछ में कई गंभीर मामले सामने आए, जिसके तहत बीते दिन जौहर यूनिवर्सिटी में GCB से खुदाई करके नगरपालिका रामपुर की एक कीमती सफाई मशीन बरामद की गई। इसी क्रम में आज भी कार्रवाई हुई है। पुलिस रिमांड पर लिए गए दोनों आरोपियों की निशानदेही पर आज पुलिस ने जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस बिल्डिंग में बनी लिफ्ट शाफ्ट में छुपाकर रखी गई बेहद कीमती किताबों को बरामद किया है। ये किताबें मदरसा आलिया, जिसकी स्थापना 1974 में नवाब रामपुर ने की थी, जिसे राजकीय ओरिएंटल कॉलेज के नाम से भी जाना जाता था, इसी की लाइब्रेरी से ये किताबें चोरी की गई थी और इस मामले में 2019 में FIR की गई थी। इसकी बरामदी के बाद पुलिस अब दोनों आरोपियों की पुलिस रिमांड बढ़ाने के लिए एक बार फिर न्यायालय का रुख कर रही है, लेकिन ये बरामदी बेहद गंभीर है और आजम खान की मुश्किलें बढ़ाने वाली है। 16 जुलाई को एक मुकदमा लिखा गया था जुआ एक्ट का, उसमें 3 लोग वांछित चल रहे थे, साकिब, अनवार और सालिम। तो 2 दिन पहले अनवार को और सालिम को गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछताछ की गई। इसी दौरान कल एक और मुकदमा लिखा गया, जो वाकर खां हैं, यहाँ के रहने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता, उन्होंने बताया कि नगर निगम में रामपुर में कुछ सफाई करने के लिए मशीनें खरीदी गई थी, बहुत महंगी मशीनें थी, और वो जौहर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने वहाँ से मशीनें मंगवा ली थी, वहाँ के शहर जो शहर चेयरमैन था उसकी मिलीभगत से। तो उन्होंने आरोप लगाया कि मोहम्मद आजम खां जो माननीय विधायक हैं, उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम खां जो भी माननीय विधायक वो भी हैं, और उस समय के तत्कालीन जो चेयरमैन है नगर पालिका के अजहर मियाँ, उन्होंने उनकी मिलीभगत से अब्दुल्ला साहब के कुछ मित्रों ने ये मशीन यहाँ से ले गए थे और मशीन वहीं चला करती थी। जब सरकार बदली, पुलिस ने प्रशासन ने मशीन पता करना चाहा कि कहाँ है, तो उस मशीन को काटकर वहीं यूनिवर्सिटी में कहीं दबा दिया है। तो जब इसमें मुकदमा लिखा गया कोतवाली में और इसके बारे में फिर पूछताछ की गई, जो गिरफ्तार अभियुक्त थे सालिम और अनवार, तो उन्होंने बताया कि हाँ हम बता सकते हैं चलकर जौहर यूनिवर्सिटी में ही ये दबी हुई है मशीन। तो कल वो मशीन हम लोगों ने खो दी, काफ़ी महंगी मशीन है और कई साल उसे दबे हुए हो गए, तो जंग वंग लग गया। कितनी कीमत बताई जा रही है मशीन? करोड़ों में की बताई। सर आप फिर आज इसी दौरान जो है रात में जो मदरसा आलिया के प्रधानाचार्य हैं, जिसे राजकीय ओरिएंटल कॉलेज भी बोला जाता है, तो उसके जो प्रधानाचार्य हैं वो रात में आए हमारे गंज थाने को। उन्होंने कहा कि साहब, जो मुलजिम जिन्होंने मशीन बरामद की है, अगर उनसे ये पूछताछ की जाए कि मेरी किताबें कहाँ हैं मेरे इस मदरसे की, तो वो बता सकते हैं। उन्होंने बताया कि सितंबर 2016 में उनके 10,633 किताबें उनके कॉलेज से चुरा ली गई, और इस संबंध में उन्होंने 2019 में मुकदमा लिखाया था चोरी का, और उसमें 7 अभियुक्त जेल जा चुके थे, 2500 किताबें बरामद भी हुई। तो उन्होंने बताया कि बाकी जो 6,000-7,000 किताबें हैं वो कहीं पर दबी हुई हैं कैंपस में, जौहर यूनिवर्सिटी के कैंपस में, और ये जो मुलजिम हैं अनवार और सालिम, अगर इनसे पूछताछ करें तो ये बता सकते। तो उनकी सूचना पर, प्रधानाचार्य की सूचना पर, हम लोगों ने इनसे पूछताछ की, तो उन्होंने बताया कि हाँ, जो मुलजिम है अनवार और सालिम ने बताया कि यहाँ किताबें दबी हुई हैं। आज सुबह हम लोगों ने आकर यहाँ पर तुड़ाई कराई, तो जो लिफ्ट है, लिफ्ट में ये नीचे से ऊपर तक सारी किताबें भरी हुई हैं, गिनती अभी जारी है इसकी और बरामदगी भी जारी है। अब इसमें समय लगेगा क्योंकि हजारों की संख्या में किताबें हैं। आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो मुलजिम कल PCR पर लिए गए थे, जो PCR पर लिए गए थे, तो उनकी आज PCR फिर अप्लाई की जा रही है, उससे कुछ और बरामदगी भी होगी, क्योंकि उनका फर्नीचर भी गया था मदरसा आलिया का, और तमाम और सामान भी उनका गया था, तो बरामदगी जारी है, अभी PCR के लिए फिर अप्लाई। अभी कुल कितनी किताबें बरामद की? अभी कहाँ गिनी गई, वो आप लोग आए अभी 8:30 बजे से रिकवरी शुरू हुई थी, अभी गिनना जारी है। कोई और नाम भी FIR में शामिल होंगे जिन लोगों का इसमें अगर लिंक निकलता है? ये उस समय जो भी यहाँ के लोग थे प्रशासन के, जिसकी यह कस्टडी है, जैसे कुलपति हो गए, उपकुलपति हो गए, उनके पुत्र हो गए, और ये तमाम लोग हैं जिनके नाम बताया सर। इन मुलजिमों ने ये बताया कि ये यूनिवर्सिटी प्रशासन की सह पर ही
ये किताबें वहाँ से चुराई गई थी और उन्हीं के सह पर यहाँ पर ही दबा रखी थी सर, तो उन्हीं की कर्मचारी और वो सब लोग मुलजिम बनेंगे। अनवार और सालिम की ही पूछताछ पर आपने कल मशीन बरामद कराई और आज ये पुस्तकें बरामद हुई हैं, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इनकी इनसे पूछताछ मिल सकती है? हाँ, वो जो मैं बता रहा हूँ, उनका फर्नीचर और तमाम सामान है जो अभी नहीं बताया जा सकता कहाँ कहाँ होगा, अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। तो अभी इनका PCR अप्लाई कर रहे हैं और फिर PCR को लेकर और चीज़ बराबर। 15 घंटे का रिमांड है, 11 बजे तक का रिमांड है, अप्लाई कर रहे हैं, उसे एक्सटेंड करा रहे हैं हम लोग, अप्लाई कर रहे हैं और बढ़ाएंगे। हाँ, ठीक, थैंक यू।